उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट खेलो इंडिया को पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जिसमें कई महाविद्यालय के बच्चे भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी और भाला फेंक, चक्का फेंक, तार गोला फेंक खेल को शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने खेल प्रतियोगिता आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कहा, हम प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट खेलो इंडिया को पूरा कर रहे हैं। खेल में भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। उत्तराखंड विश्वविद्यालय जो खेलकूद प्रतियोगिता कराते हैं, इस बार भी 3 दिन की प्रतियोगिता हो रही है और 22 से ज़्यादा महाविद्यालय इसमें भाग ले रहे हैं। हम हर विश्वविद्यालय में और मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों के लिए कल्चरल प्रोग्राम भी कराते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता भी कराते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि खेलो इंडिया में बच्चों को भाग लेना चाहिए, पहली बार हम ये कर रहे हैं कि संस्कृत के बच्चे भी खेलो इंडिया में भाग ले सकते हैं। और मैं कुलपति जी का और पूरे अपने विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस बार बहुत अच्छी यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करा रहे हैं। आप उन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि चाहे ओलंपिक खेल हों, चाहे राज्यों के हों, चाहे देश के हों, चाहे दुनिया के हों, अब भारत का डंका जो है खेलों में भी बज रहा है। और हम ये चाहते हैं कि संस्कृत के बच्चे भी खेलों में बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन करें। इसके लिए हम पूरे महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, मैं एज ए उनके मिनिस्टर होने के नाते उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।